सो गाइस, दिस इज बोट एक्सटेंड स्पोर्ट्स। बेसिकली ये बोट एक्सटेंड का सक्सेसर है। इसमें हमें 700 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं एंड लुक एंड डिजाइन वाइज काफी डिफरेंट किया है इस बार बोट ने। मैं अभी काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या 2500 जो इसका लॉन्च प्राइस है उसमें आपको ये लेना चाहिए या नहीं, या इसका परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड गाइस, बोट का ही 2 स्मार्ट वॉचेस का मेरे चैनल पे अभी करंटली गिव अवे चल रहा है जिसका विनर काफी जल्दी अनाउंस करने वाला हूं, तो इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट जरूर करना। वैसे मैं आई कार्ड में यहां पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। तो गाइस, डिजाइन वाइज काफी अलग किया है बोट ने इस बार। एक स्क्वायर में जो एजेस होते हैं उसे राउंड रखा है एंड पर्सनली मुझे अच्छा लगा है। एंड यहाँ पे जो कलर भी चूज किया, जो एक्सेंट है यहाँ पे ग्रीन कलर का एक्सेंट देखने को मिलता है। इवन स्ट्रैप भी जो है ना, यूजुअली थोड़ा सा ये पतला है एंड यस डेफिनेटली काफी सॉफ्ट है, तो आप 24/7 पहन के रख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है एंड काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले, तो 1.69 इंच की हमें फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड ओवरऑल जो टच रिस्पॉन्स है डिस्प्ले का काफी अच्छा है। ब्राइटनेस मुझे डिस्प्ले की काफी अच्छी लगी है। आप इंडोर लाइटिंग आउटडोर लाइटिंग दोनों में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा कलरफुल लगा है एंड टच रिस्पॉन्स डिस्प्ले का ओवरऑल इज गुड। नाउ टॉकिंग अबाउट IP सर्टिफिकेशन, तो IP67 है। अगेन इस प्राइस रेंज में IP67 मुझे पर्सनली लगा है कि थोड़ा कम है। 5 ATM रहता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, बट एटलीस्ट यार IP68 भी देना चाहिए। बट ठीक है, IP67 है तो डस्ट रेजिस्ट कर लेगा, थोड़ी मोड़ी स्वेट एंड पानी जो स्प्लैशेस होते हैं वो रेजिस्ट कर लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड 10 मिनट तक 1 मीटर की डेप्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वॉच। टॉकिंग अबाउट अदर फीचर्स, तो भाई इसमें काफी सारे फीचर्स दिए रखे हैं, जैसे कि इसमें कैलकुलेटर देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज में काफी ज्यादा रेयर है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्या उनको कैलकुलेटर वाला स्मार्ट वॉच चाहिए, तो डेफिनेटली बोट एक्सटेंड स्पोर्ट्स उनके लिए बेटर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है। उसके अलावा आप अलार्म इसके वॉच से ही सेट कर सकते हो, बट एक चीज है, आप इसके अलार्म को वॉच से तो सेट कर सकते हो बट ना AM या PM उसका ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको इवेंचुअली ऐप से ही जाके सेट करना पड़ेगा। तो ये एक चीज है, अगर बोट सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू पुश कर दे तो काफी अच्छी चीज है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो फीचर्स दे रखे हैं काफी अच्छे हैं। प्लस आप इसमें लाइव स्कोर्स चेक कर सकते हो क्रिकेट का, तो अगेन ये काफी अच्छी चीज है। अभी क्रिकेट शुरू होने वाला है, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो काफी हैंडी फीचर है। और लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर, तो भाई इसमें हमें SpO2 देखने को मिल जाता है, जो कि आजकल स्मार्ट वॉच में ना काफी कंसिस्टेंट रिजल्ट ला के दे रहा है, तो डेफिनेटली काफी एक्यूरेट है। उसके अलावा हर्ट रेट मॉनिटरिंग देखने को मिलती है, अगेन काफी कंसिस्टेंट रहता है, 24/7 हर्ट रेट मॉनिटर करता है। द डे कैसा आपका हेल्थ मैट्रिक चल रहा है तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें हमें बॉडी टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज में अगेन काफी अच्छी चीज है। इतने सारे फीचर के साथ बॉडी टेम्परेचर सेंसर भी ऐड किया इन्होंने, अगेन काफी अच्छी चीज है एंड कंसिस्टेंसी रिजल्ट है। मैंने चेक किया, लाइक मेरा तबीयत तो खराब नहीं है, बट यस जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो है, तो इतना मैं बता सकता हूँ कि इसका जो सेंसर्स है काफी एक्यूरेट काम कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्कआउट मोड्स, तो गाइज इसका हाइलाइटिंग पॉइंट है 700 वर्कआउट मोड्स। अगर आप अपने घर में नॉर्मल हाउस होल्ड करते हो तो उसके लिए भी ट्रैक करने के लिए इन्होंने इसमें ऑप्शन दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिम जाते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो सब कुछ तो ट्रैक कर ही सकते हो। या अगर आप गेम वगैरह भी खेलते हो तो सब कुछ डिटेल में ट्रैकिंग होगी। ये 700 वर्कआउट मोड्स है, तो आप अपने हिसाब से इसके ऐप में जाके कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कितने वर्कआउट मोड्स रखने हैं कितने नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बोट क्रिस्ट इसका जो ऐप है ना, वो ओवरऑल भाई अभी टाइम टू टाइम काफी स्टेबल होता जा रहा है एंड इस बार काफी स्टेबल है। कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। उसमें आप वर्कआउट वाले सेक्शन में ना कस्टम फिटनेस प्लान भी सेट कर सकते हो, अगेन काफी अच्छी चीज है, एडिशनल फीचर है जो अगर यूज करो तो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे वो जो बडीज वगैरह का ऑप्शन जो बोट क्रिस्ट ऐप में रहता है, अगर आपने पहले यूज किया तो आपको पता ही होगा। तो ओवरऑल भाई स्टेबल वॉच है एंड इसके ऐप में ना 100+ वॉच फेसेस है, तो आप उससे चूज कर सकते हो, कस्टम वॉच फेसेस भी लगा सकते हो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी, वर्कआउट में एक्यूरेसी कैसी है, तो मैंने इसे पहन के प्रॉपर 1 घंटे वर्कआउट किया है। उसके अलावा मैं रोज रनिंग करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो एक्यूरेसी है, लाइक कैलोरीज काउंट, स्टेप काउंट, काफी हद तक एक्यूरेट है। मैं अगर एक्यूरेसी परसेंटेज की बात करूँ तो मुझे 90% ऑलमोस्ट एक्यूरेट लगा है, जो कि इस प्राइस रेंज में गाइस काफी अच्छा माना जाता है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ इसके सेंसर्स काफी एक्यूरेट है, इसकी जो वर्कआउट ट्रैकिंग्स है वो काफी एक्यूरेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, इसमें हमें स्लीप मॉनिटरिंग भी देखने को मिलती है, जिसमें
REM भी शो करता है एंड स्लीप मॉनिटरिंग की भी डेटा काफी एक्यूरेट आती है एंड काफी डिटेल में रहता है। आप कब सोए, आपने कितने देर डीप स्लीप लिया, कितने देर लाइट स्लीप लिया, एवरीथिंग इज देयर। नाउ कंपनी क्लेम करती है कि 7 दिन का बैटरी बैकअप देगा, बट अकॉर्डिंग टू माई यूज अगर आप यूज कर रहे हो इसे तो 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करना। एंड गाइस इसमें 30 मिनट फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है, काफी जल्दी चार्ज होता है, ये मैंने प्रॉपर टेस्ट किया है, तो यस ये काम करता है। नाउ कॉल एंड नोटिफिकेशन की बात करूं तो कॉल आता है तो आप म्यूट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, एंड अगर नोटिफिकेशन भी आता है तो ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन की इसमें नोटिफिकेशन आएगी एंड नोटिफिकेशन सारे आते हैं प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिस कर जाओगे। एंड अगर नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो तो वाइब्रेशन मोटर की भी बात करना जरूरी है, तो गाइस इसमें हमें ऑप्शन मिलता है इंटेंसिटी वाइब्रेशन का बढ़ाने या घटाने का, एंड वाइब्रेशन मोटर मुझे प्रीमियम लगा है, ऐसा चीप क्वालिटी का नहीं लगा है, तो अगेन डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। आप अलार्म सेट करते हो या आपको नोटिफिकेशन आता है या कॉल आता है एंड आपने रिस्ट में अपने वॉच को टाइटली पहना हुआ है तो आपको पता चलेगा कि आपका वॉच वाइब्रेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ है। वहीं पे गाइस यूआई की बात करूँ तो यूआई स्मूथ है एंड काफ़ी सिंपल रखा है, एंड ओवरऑल यूआई भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम इजी टू यूज़ इंटरफेस बनाया है बोट ने, तो डेफिनेटली गुड वर्क। ओके तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, क्या आपको 2500 में ये स्मार्ट वॉच लेना चाहिए? तो भाई अकॉर्डिंग टू मी इसमें जो फीचर्स दे रहे हैं ना, लाइक इसमें कैलकुलेटर मिलता है जो काफ़ी लोगों के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ है, आई नो क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो इसमें कैलकुलेटर, लाइव स्कोर, जो भी फीचर्स दे रखे हैं काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। उसके अलावा इसकी जो एक्यूरेसी है मुझे अच्छी लगी है, एंड इसमें हमें SPO2, हर्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर सेंसर भी देखने को मिलता है, अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि 2500 में काफ़ी स्टेबल एंड रिलायबल स्मार्ट वॉच है, बट अगेन यह जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत लोगों को अच्छा लग सकता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा है, तो मैं डेफिनेटली आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ। बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको बाय करना है तो वहां से जाके खरीद सकते हो, एंड अगर आपको उस प्राइस रेंज में नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करना, मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो मैं आपको दे दूंगा। सो गाइस इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अगर यहां तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।